हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये चना दाल है जो कि मैंने पका लिया है। तो इसके लिए क्या करना है, चना दाल को लेना है, कुकर में डालना है और कुकर में इसमें हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा, हींग और हल्दी नमक डाल के हमें पका लेना है इस तरीके से। देखिए चना दाल बिल्कुल पक गया है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको मिक्सर में पीस के इसका पाउडर बना लेना है। और इसमें अब कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दिया है, नमक, हल्दी, हींग, हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा। अब यहाँ पे आटा गूंद लेना है, उसके बाद एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। और यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बनाया है, पेड़े में इस स्टफिंग को मैंने स्टफ़ कर दिया है और धीरे धीरे इस तरीके से इसको गोला इसका पेड़ा बना लेना है और हल्के हाथों से प्रेस करना है। यहाँ पे जो पूरी है चना दाल वाली, उसको धीरे धीरे बेलना है, नहीं तो कभी कभी चिपक भी जाता है। देखिए ये भी चिपक गया है और चिपकने की वजह से थोड़ा फट गया है। तो हम दूसरी पूड़ी बनाएंगे। इस पूड़ी को फ्राई नहीं करना है क्योंकि इससे तेल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी पूड़ी बनाई है और ये पूड़ी काफ़ी जितना अच्छे से फूल रहा है, क्रिस्पी क्रंची और उतना ही टेस्टी है। तो इसको बनाना बहुत आसान है। सारे इन्ग्रीडियंट्स आपकी किचन में अवेलेबल हैं, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो ट्राई करने की। तो देखिए यहाँ पे खीर भी रेडी है, आलू और परवल की सब्ज़ी भी रेडी है। तो आप इस ट्रेडिशनल फूड को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी है और बहुत ही आसान है बनाना। तो देखिए मैं यहाँ पे एक बाइट खा के आपको बताऊँगी और कि कितना टेस्टी बना है, लेकिन इसका एहसास तो तब होगा ना जब आप खुद बनाएंगे। तो आप इसको बनाइए और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस ट्रेडिशनल फूड को बनाने के बाद कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये खीर सब्जी और पूड़ी का कॉम्बिनेशन कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना ये परवल और आलू की जो सब्ज़ी की रेसिपी है ज़रूर डालूँगी, तो ट्राई करिए।